कनान पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले अशोकनगर रोड पर स्थित निवासी रत्नमालापाई लक्ष्मण तांडेकर WCL कर्मचारी यह 14 जून 2021 को दिन में करीबन 1 बजे अपनी पुत्र से मिलने के लिए घर में ताला बंद कर पुत्र को मिलने के लिए चली गई थी। गुरुवार 17 जून को गांव से घर आने के बाद जब वे घर का दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि कुछ वारदात हो चुकी है। आजू बाजू के पड़ोसी को बुलाने के बाद पाया गया कि मुख्य दरवाजे का चैनल गेट का ताला तोड़कर अज्ञात आरोपियों ने घर में प्रवेश कर बेडरूम में प्रवेश कर अज्ञात आरोपी ने घर की छानबीन की। अलमारी की चाबी प्राप्त हुई और अलमारी से सोने की चेन 16 ग्राम कीमत 16,475 रुपए, चेन लगभग 6 ग्राम कीमत 20,725 रुपए, सोने की अंगूठी कीमत 5,630 रुपए, सोने की अंगूठी 30 ग्राम कीमत 24,600 रुपए, दो अंगूठियां 7 ग्राम कीमत 22,410 रुपए, सोने की चेन 30 ग्राम कीमत 1,05,825 रुपए, चांदी के सिक्के कीमत 1,000 रुपए, नकदी 25,000 रुपए, ऐसे कुल मिलाकर 2,21,665 रुपए सामग्री की चोरी कर ली। फिरियादी रत्नमाला बाई तांडेकर की शिकायत पर कन्हान पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर कई धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर कन्हान उप विभागीय पुलिस अधिकारी मुख्तार भगवान व कन्हान पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक अरुण त्रिपाठी के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक जावेद शेख अज्ञात आरोपी की खोजबीन कर रही है एवं आगे की जांच जारी है। BCN न्यूज के लिए कन्हान से रोहित मानवटकर की रिपोर्ट।